हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट लुक है, ब्यूटीफुल है। तो आज हम ये वाला हेयर स्टाइलिंग सीखने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाए हैं और टेक्निक क्या इसमें यूज़ किया हुआ हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हेयर स्टाइल को कैसे बनाया है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने इनके फ्रंट में थोड़ा सा क्रिम्पिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा बॉडी मिल जाए, बाउंस मिल जाए यहाँ पे, क्यों मुझे साइड पार्टीशन करना है तो क्रिम्पिंग ज़रूरी है। इनके बाल बिल्कुल फ्लैट थे तो बाउंस के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद साइड पार्टीशन निकाला मैंने। साइड पार्टीशन निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मैंने फ्लैट करते हुए पीछे पोनीटेल किया। मैंने देख सकते हैं आप, ये साइड लॉक्स में बिल्कुल फ्लैट लेके जाना है, बिल्कुल फ्लैट। और मैंने यहाँ पे पोनीटेल कर दिया एक, और पोनीटेल करने के बाद मैंने उनको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने पिन लगाए, फिर थोड़े से बाल उठाया। बाल उठाने के बाद इन दोनों को आपस में भी पोनीटेल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो पोनीटेल होगा ना, बिल्कुल हाई में होगा, देख सकते हैं बिल्कुल हाई में है पोनीटेल, बिल्कुल नीचे नहीं करना है आपने। और उसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ पे कर्ल्स बना रहा हूँ उनके बालों में, कि जो कर्ल्स आप पूरे बालों में बनाने हैं, और एक कर्ल्स में से दो तीन करने हैं आपने। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ नए नए इस चैनल पे, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें, और शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। कमेंट में कुछ भी सीखना हो, कुछ पूछना हो, कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने इनके पूरे बालों में प्रेसिंग कर्ल्स कर रहा हूँ, और प्रेसिंग कर्ल्स करने के बाद इनको ओपन भी करना है। बिल्कुल सॉफ्ट कर्ल्स बनाना है, बिल्कुल हार्ड कर्ल्स नहीं बनाना, क्योंकि इनके लेंथ को मेंटेन करते हुए चलना है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड बना देंगे कर्ल्स तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। प्रेसिंग कर्ल्स करने का सही टेक्निक ये होता है कि आपके बालों में मॉइस्चर, नमी नहीं होना चाहिए, बाल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और कोशिश करें पहले ब्लो ड्राई कर ले बालों में, फिर उसके बाद प्रेसिंग कर्ल्स बनाएं। जितने भी प्रेसिंग कर्ल्स कर रहे हैं ना, उतने सब में को ओपन करना है, एक में दो तीन दो तीन दो तीन तो करनी ही करनी है। उससे सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत फ्लफी हेयर भी आ जाएंगे, बहुत सारा दिखेगा। इनके लेंथ थोड़ा पतले हैं तो मैं उसी के हिसाब से इनको ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ और भी नई चीज़ें सीखनी हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। अब ये देख सकते हैं, जो भी फ्रंट का इनका हेयर था उनमें भी कर्ल्स बनाना है। क्रिम्पिंग हमने रूट्स में किया था थोड़े थोड़े, और जो भी कर्ल्स बना रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हार्ड, वरना लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लुक भी आते जा रहा है। जो हमने पोनीटेल किया था उसमें भी कर्ल्स बनाना है। जो पोनीटेल हमने स्टार्टिंग में बांधे थे ना, उसमें भी कर्ल्स करना है। और देख सकते हैं कर्ल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं बैक कॉम्बिंग करने वाला हूँ, जो इनके पोनीटेल वाला बाल था। पोनीटेल करने से थोड़े से फ्लफी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे हमें बैक कॉम्बिंग भी करना है। अभी तो मैं लूप बांध रहा हूँ उनके बालों में, और अभी बैक कॉम्बिंग करेंगे तो इसकी लुक बढ़ जाएगा काफ़ी। देख सकते हैं हल्की हल्की बैक कॉम्बिंग करना है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करना है आपने, बहुत हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग हो रहा, इससे थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा।
और बैक कॉम्बिंग करने के साथ ही आपने इसमें हेयर स्प्रे यूज़ करना है। देख सकते हैं इसका लुक बढ़ते जा रहा है, काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइलिंग है ये। ओपन में अगर किसी को चाहिए तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। हमने जो प्रेसिंग से कर्ल्स बनाए हैं, आप टोंग से भी कर्ल्स बना सकते हैं आप इसमें। ये देख सकते हैं फ्रंट का लुक। और अभी हम इनके बालों में थोड़े से बीट्स लगाने वाले हैं, जो छोटे छोटे स्टोन नहीं आता वो लगाएंगे अभी हम इनके साइड में, तो इससे और लुक बढ़ जाएगा इनका। जहाँ पे हमने बिल्कुल फ्लैट किया था ना, उसी जगह पे लगाना है। ये देख सकते हैं इनका लुक काफी ब्यूटीफुल आया है निकल गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करने वाले हैं, जिससे कि थोड़ा सा और बाउंस आ जाए। जो हमने क्रिम्पिंग किया था उससे बाउंस तो आए थे काफ़ी, लेकिन थोड़ा बहुत और बैक कॉम्बिंग करना है। ये जितने फ्लाई हेयर है सारे बैठ गए हेयर स्प्रे से। देख सकते हैं आप लुक, कैसा लगा आपको हेयर स्टाइलिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो आप लोगों को और कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं आप। देख सकते हैं हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा बीट्स लगा रहे हैं, जो वाइट कलर का है इसे लुक आ जाएगा काफ़ी अच्छा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और एक लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। आप देख सकते हैं फाइनल लुक, और भी मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ, तो जाके वो ज़रूर देखें। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखा हूँ हेयर स्टाइलिंग की, तो ज़रूर देखें उनको। और अब ये देख सकते हैं काफ़ी हैप्पी है क्लाइंट, इनको बहुत अच्छा लगा ये लुक। तो आप भी अपने क्लाइंट्स के ऊपर बनाए इनको, देख सकते हैं फाइनल लुक। और एक लाइक तो ज़रूर कर दे इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे ताकि औरों को कुछ सीखने